हेलो गाइस, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। तो आज मैं जा रहा हूँ फ्रांस टू पुर्तगाल, ठीक है, लिस्बन जा रहा हूँ मैं पुर्तगाल में। तो क्योंकि वहाँ मेरे को मतलब रहने वगैरह की जगह मिल रही है और पेपर वगैरह मैंने वहीं के लगा रखे हैं, तो इसलिए यह है कि अपना वहाँ पे एक नंबर में रहेंगे, आराम से रहेंगे, खुला घूमेंगे, खुल के वीडियो बनाएंगे, ठीक है, खुल के वीडियो बनाएंगे, व्लॉगिंग बनाएंगे, व्लॉगिंग करेंगे। और साथ में मेरे जा रहे हैं बड़े भाई जी मिस्टर गौरव सैनी जी, ठीक है, ये मेरे को छोड़ने के लिए जा रहे हैं क्योंकि जो मेरी फ्लाइट है वो है सुबह 10:15 पे और अभी टाइम हुआ है 5:30। तो हम निकल चुके हैं घर से और अभी हम यहाँ से जाएंगे पहले अपना स्टेशन पे, क्योंकि बस का इस टाइम कोई टाइम नहीं है चलने का। और उसके बाद हम जाएंगे डेनफर्ट, स्टेशन का नाम है, वहाँ से उतर के हमने जाना है फिर आगे बस में, इनकी स्पेशल मतलब कि स्टॉप एयरपोर्ट के लिए स्पेशल बस लगी हुई है, ओरली एयरपोर्ट है ओरली का, ठीक है, सरदगुल भी है यहाँ पे, बट मुझे जाना है एयरली ओरली एयरपोर्ट से, ठीक है, जो कि डेनफर्ट से बस जाएगी उसमें जाना है टर्मिनल 3 पे। तो मिलते हैं आपको आगे चल के, ठीक है, तो पूरा ब्लॉग देखने के लिए वीडियो में बने रहना, ठीक है। आज मैं आपको आज के बाद आपको पुर्तगाल की भी वीडियो दिखाया करूँगा, ठीक है, फ्रांस में तो बहुत वीडियो दिखा दिया आपको, अब पुर्तगाल में रहना है, ठीक है, तो अब लाइफस्टाइल आपको वहीं का दिखाऊंगा। तो मिलते हैं अब स्टेशन पे। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपना स्टेशन पे, ठीक है, पीछे उस साइड वाली ट्रेन तो आ चुकी है, हमारे वाली जो ट्रेन है वो है 6 मिनटों में। बाकी आ रहे हैं भाई जी, टैची लेके मेरी बैठ चुके हैं, थक चुके हैं, तो अब मिलेंगे आपको सीधा डेनफर्ट पे, ठीक है, बाकी रास्ते में आपको सफ़र दिखाई देंगे, वो तो दिखाना ही है, बहुत जरूरी है फ्लाइट का सफ़र, सेकंड फ्लाइट है मेरी आज, फर्स्ट फ्लाइट में तो ठीक है जैसी कैसी रही मेरी, मैं तो बहुत अच्छी रही, बस मेरे को विंडो सीट नहीं थी, लेकिन अब मैंने अपने आप टिकट बुक करके अपना विंडो सीट सेलेक्ट कर लिया सबसे पीछे और सबसे कोने में, ठीक है, अभी वो सीटें खाली पड़ी थी बट मैंने सबसे लास्ट वाली ही की है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपको वहीं, वो भी दिखाएंगे आपको, तो बने रहना वीडियो में। तो भाई हम अपना बैठ चुके हैं ट्रेन में, ठीक है, चल रही है ट्रेन भी, भाई जी बैठे हैं सामने लगे हुए फोन में अपना, तो अभी हम वहीं पहुंच के मिलेंगे आपको। और क्या है कि चलो वहीं जाके पता लगेगा क्या है क्या नहीं है, बाकी मुझे भी थोड़ा आज अच्छा लग रहा है, आज दूसरी बार फ्लाइट में बैठ रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोगों को रुको, तो मेन चीज़ जो है विंडो सीट पे बैठ रहा हूँ, विंडो सीट, ठीक है ना, स्पेशली और अपने खुद की टिकट की हुई है और सब कुछ खुद से की हुआ है, अब तो टिकट भी खुद की है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपको और आगे चल के, ठीक है, बाकी पार्क का व्यू आपको इस टाइम दिख नहीं पाएगा, अंधेरा बहुत है, अंदर लाइटें बड़ी तो अंदर के दिखेगा सब कुछ, ट्रेन में है हम, ठीक है, बाकी बाहर का व्यू हल्का फुल्का दिखेगा, ये आ चुका है स्टेशन, कोई बात नहीं, आगे तो थोड़ा चांदा हो जाएगा फिर आपको बाहर का व्यू भी दिखाऊंगा, तो मिलते हैं और आगे चल के। Assurez-vous de ne pas oublier vos affaires personnelles. Please ensure you collect all your belongings. Por favor, no olviden recoger todo su equipaje. Thank you.
चुके हैं पोर्ट रियाल, ठीक है। जो भी आपने मैंने आपको दिखाया वो स्टेशन था, अब हमको इससे अगले स्टेशन भी उतरना है डेनफर्ट, ठीक है। तो मिलते हैं आपको वहीं उतर के। तो गाइज हम उतर चुके हैं अपना स्टेशन पे पोर्ट डेनफर्ट पे, ठीक है। हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, बस स्टैंड की तरफ, जहाँ से हमको मिलेगी बस जिसका नाम है ओरली बस, जिसका नाम भी ओरली बस ही है क्योंकि वो स्पेशल वहीं के लिए ही है। तो अभी हम आ चुके हैं बाहर, भाई जी साथ साथ में टैची लेके, मेरी इनका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी टैची लेके चल रहे हैं। और अभी हम पहुंच चुके हैं अपना स्टॉप पे, ये यहाँ पे बस स्टॉप और लीगा जो कि है 10 मिनट में, एक 10 मिनट में, एक 21 मिनट में है, ठीक है। तो चलो इतना यहाँ का नज़ारा देख लो। तो गाइज ये है यहाँ पे डेनफर्ट के बाहर का जहाँ हम खड़े हैं स्टॉप पे, भाई जी बैठे हैं, यहाँ का व्यू। पक्के अंधेरा बहुत हो रखा है इस टाइम भी, अभी चांदना नहीं हुआ, नहीं तो आपको और ज़्यादा क्लियर दिखता। बाकी इसकी थोड़ी कैमरे की क्वालिटी भी थोड़ी सी लो है क्योंकि जो मेरा पहला वाला फ़ोन था उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, 4K वीडियो बनाता था वो, ये सिर्फ HD में बनाता है। तो चलो मिलते हैं आपको बस की वेट करने के बाद ही। तो गाइस अपनी जो है बस वो आ चुकी है, बस अभी थोड़ी देर में जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग ही अपना दरवाजा खोलेंगे, उसके बाद हम जाएंगे इसमें, इसमें फ्री वाईफाई है, सब कुछ है। चलो मिलते हैं बाद में इसके अंदर बैठ के ही। तो भाई मैं बैठ चुका हूँ अपना इसमें, ठीक है, एयरपोर्ट के लिए। तो अभी हम जा ही रहे हैं, ठीक है, हम चल रहे हैं। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ बाहर का नज़ारा भी, ठीक है। हल्का फुल्का जो है चांदना हो चुका है, बाकी वहाँ तक पहुँचने तक पूरा चांदना हो जाएगा, उम्मीद है पूरी। बाकी वैसे भी 7 बजे तो ही जाएगा, 6:30 हो चुके हैं, 7 बजे तक वैसे चांदना हो जाएगा यहाँ पर फुल। फिर आपको थोड़ा वही व्यू दिखाएंगे, अभी तो ज़्यादा अंधेरा हो रखा है। हो ही गया चांदना, भी ज़्यादा टाइम वेट ही नहीं करना पड़ा क्योंकि अब हम खुले एरिया में आ चुके हैं। पहले जैसे मेन बीच में रोड पे थे, नॉर्मल रोड पे, हाईवे पे हैं, तो बीच में पता ही आपको जैसे सड़कें वगैरह या साइडों में घर वगैरह बिल्डिंग्स, इसके कारण थोड़ा अंधेरा ज़्यादा रहता है। अब यहाँ हमें ब्रिज के नीचे, ठीक है, थोड़ा वाकई फर्क तो पड़ता ही है खुले एरिया का और बंद एरिया का। खुले एरिया में चांदना ज़्यादा लगता है और बंद एरिया में थोड़ा कम। वो फिलहाल thank you.
तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपना ओरली एयरपोर्ट के एरिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से पूरे लगेंगे 7 मिनट, तो मिलते हैं अब सीधा वहीं पे ही एयरपोर्ट पे उतर के। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपना ओरली एयरपोर्ट पे, ठीक है, टर्मिनल 1, ठीक है। तो हमको जाना टर्मिनल 3 पे, तो मिलते हैं आपको। तो गाइस हम उतर चुके हैं बस में से और अब हम जा रहे हैं अपना टर्मिनल 3 की तरफ, ठीक है। तो मिलते हैं आपको आगे, मैं बताता रहूँगा अंदर कैसे क्या है। मेरा बोर्डिंग पास मेरे पास ही है, मेल भी आ चुका था वो ऑनलाइन, ठीक है। टिकट सीट नंबर भी उसमें सब कुछ ही है उसमें, ठीक है। मुझे बस जाना है और अपना लगेज जमा करवाना है और कुछ नहीं करना मैंने वहाँ पे। सिर्फ लगेज जमा करवाने के लिए मुझे लाइन में लगना पड़ेगा, नहीं तो बोर्डिंग पास के लिए भी लाइन में लगना पड़ता मेरे को। तो चलो मिलते हैं अब अपना अंदर जाके ही। तो गाइस हम अंदर ही चल रहे हैं इस टाइम, ठीक है। हमको जाना है टर्मिनल 3 पे, साथ में चल रहे हैं भाई जी और देखते हैं अभी कौन से गेट पे मेरे को जाना है। टर्मिनल 3 पे जाना है, बाकी गेट का अभी इसमें कन्फर्म नहीं है। और चलो वहीं जाके पता लगेगा गेट का, तो उसमें भी लिखा हुआ है बोर्डिंग पास पे भी कि गेट नंबर का इन योर गेट का नंबर लिखा हुआ है कि अपना कॉन्टैक्ट टू एयरपोर्ट फॉर योर गेट नंबर, ठीक है। तो मिलते हैं आगे चल के बने रहना वीडियो में। बाकी ये पता नहीं क्या चीज़ नहीं, ऐसे इंसान ही है। मतलब सबका अपना अपना फैशन है, अपना अपना स्टाइल है, ठीक है, किसी को कुछ नहीं कह सकते। बाकी फॉरन में तो आजकल ज़्यादा ऐसा ही है। टर्मिनल 3। तो गाइस मैं अपना आ चुका हूँ अंदर अपना चेक इन के लिए। अंदर से मैंने यहाँ से एंट्री कर ली है, भाई जी चले गए हैं, ठीक है। तो थैंक यू उनका बहुत। और अब मैं लग रहा हूँ यहाँ लाइन में क्योंकि मुझे लगेज जमा करवाना है, ठीक है। तो लगेज जमा करा के निकलते हैं आपा। कुछ नहीं, बोर्डिंग पास तो निकालना नहीं पड़ा क्योंकि उसमें भी बहुत टाइम लगता है बोर्डिंग पास निकालने में भी। चलो फिलहाल अपना लगेज जमा करा देते हैं, फिर मिलते हैं आपको आगे चल के। तो गाइस मैंने अपना बैग जमा करा चुका हूँ और ये मुझे मिला बोर्डिंग पास, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ अपना अंदर की तरफ गेट के पास ही, तो मिलता हूँ सीधा वहीं जाके। तो गाइस पूरी अपनी चेकिंग वगैरह करवाने के बाद यहाँ से यहीं से निकल के आया हूँ मैं, यहाँ पे लाइन लगी हुई है, ठीक है। यहाँ से अभी निकल के आया हूँ अपना सब कुछ चेकिंग करवाने के बाद, उसके बाद अब मैं जा रहा हूँ सीधा अपने गेट की तरफ। तो मिलता हूँ आपको वहीं पे, ठीक है।
तो गाइस मैं अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे आपको वही जैसे अपने इंडिया में है, सारे कॉस्मेटिक्स सामान ज़्यादातर तो लेडीज़ का ही मिलेगा आपको, ठीक है। नॉर्मल सारे लेडीज़ का ही है, बाकी सारा ये फेसियल आइस क्रीम वगैरह, आईलाइनर, लिपस्टिक, परफ्यूम ज़्यादातर अपना इनका ही है, लेडीज लोगों का ही है। परफ्यूम्स वगैरह अभी अपना सिगरेट्स, उसके बाद ये बोतल्स, ठीक है। सैलून भी है यहाँ पे प्रॉपर, ये अपना बोतलें पड़ी हैं बियर वाइन वगैरह, ठीक है, अल्कोहल। बाकी ये खड़ी है अपनी एक गाड़ी, ये कुछ खाने पीने के लिए सामान, बिस्कुट वगैरह भी है। और अब मुझे जाना है गेट 10 मुझे जाना है अपना गेट नंबर ई पे, ठीक है। तो मिलते हैं अब सीधा वहीं पे। बाकी यहाँ पे और भी सामान है, टी शर्टें, कैप वगैरह। चलो अपना चलते हैं गेट ई, सेट अपना गेट ई, ठीक है। तो मिलते हैं अपना गेट नंबर ई 05 से, अभी नहीं पता कौन से पे है, तो चलो यहीं देखना पड़ेगा। सिर्फ ई लिखा हुआ है, अब ई कौन सा है वो नहीं पता। फिलहाल इन्होंने ओनली ई लिखा हुआ है, चलो पता करते हैं आगे जाकर ही। तो गाइस अभी मेरे गेट का नहीं पता, कंफर्म नहीं अभी, क्योंकि 10:15 की है फ्लाइट और अभी टाइम हुआ है सिर्फ 7:17, ठीक है। तो इसलिए अभी गेट का कंफर्म नहीं, मतलब ई का गेट नंबर आ रहा है लेकिन आगे कभी गेट का नंबर नहीं आया, गेट नेम आया अभी ई पे जाना, लेकिन अभी काउंटिंग में नंबर नहीं आया कि 5 पे जाना, 7 पे, 10 पे, 12 पे, 15 पे, किस पे जाना है, अभी वो नंबर नहीं आया, ठीक है। तो उसी की वेट कर रहा हूँ मैं, बाकी बाहर खड़े हैं फ्लाइट, सोए खड़े हैं बाहर, ट्रांसविया के भी हैं और भी हैं स्काई टीम, बाकी ट्रांसविया के हैं थोड़े छोटे हैं, ट्रांसविया के जो फ्लाइट रख लेना, ठीक है। ये स्काई टीम का खड़ा है और ये खड़ा है ट्रांसविया का छोटा सा, ओके स्काई टीम का बड़ा है, एक ट्रांसविया का हो जा रहा है। तो और मेरे पीछे जो है बच्चे लगे हुए गेम खेलने में, गेमें चल रही है पीछे इसी में, चलो देखते हैं अब क्या रहेगा, ठीक है, कितनी देर में कौन सा गेट नंबर आएगा, तो लेके चलूँगा आपको, ठीक है, वहीं पे भी। बाकी जा रही हैं ट्रक, छोटे छोटे मिनी ट्रक, ठीक है, टैक्सियों को लेने के लिए गई हैं। चलो तो देखते हैं अब आगे क्या रहेगा। बाकी लोग बैठे हुए हैं, खेल रहे हैं लोग, गेम खेल रहे हैं यहाँ पे, स्पेशल पीसी लगा रखे हैं गेम खेलने के लिए, ठीक है। चलो ये रहा मेरा बैग, बाकी लगेज उन्होंने जमा कर लिया है, ठीक है। तो अभी देखते हैं बाकी स्काई टीम,
चलने के लिए तैयार है, जा रही है। और एयर कैराबाइज कैरेब्स आया एक, बाकी ट्रांसफर के बहुत खड़े हैं। और एक मेरे ख्याल में अभी गया है उड़ान भरने के लिए, चला गया एक तो उड़ान भरने के लिए अभी गया, तो इसमें दिख नहीं रहा होगा आपको, बहुत दूर था वो, यहाँ से भी आगे था वो, जो ट्रांसफर का एक ही खड़ा है ना लास्ट वाला, उससे आगे था वो। तो चलो देखते हैं अब अपना कौन सा गेट नंबर आएगा, ठीक है, तो मिलेंगे आपको उसके अंदर ही। तो भाई अभी मैं ना एक्चुअली थोड़ा इधर चला गया था लैंडिंग देखने के रिसेप्शन पे, तो इन दिन में एरोप्लेन लैंड होके यहाँ आ चुका है, अभी इसमें गेट पे इसके लगा रहे हैं ताकि यहाँ से जो है अपना जो लोग हैं यहाँ से अपना सीधा अंदर की तरफ एयरपोर्ट की तरफ आए इसके अंदर से, और इसको बिल्कुल उसके दरवाजे को फिट करते हैं। तो चलो अपनी वेट करेंगे अपने जहाज की, अपने टाइमिंग की। अभी टाइम हुआ है 8:10 हुए हैं और इनका गेट बंद होने का टाइम है 10 बजे, अभी मतलब वो टाइम पड़ा है मेरे लिए। और 9:45 का जो है मेन चेक इन का टाइम है, लास्ट टाइम जो कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या रहेगा, उसके बाद मिलते हैं आपको अपना जब एंट्री होगी वहीं मिलेंगे। तब तक का थोड़ा देख लेते हैं, मैं खुद देख लूँ थोड़ा, यहाँ घूम फिर लूँ, ठीक है। गाइज ये है मतलब कि उन्होंने पीसी लगाए हुए हैं स्पेशल, ठीक है, PS4 या 6 जो भी है कंप्यूटर, मतलब ये गेम है, गेम चलती है इसमें, प्ले स्टेशन लगा लो, बच्चे लगे हुए अपना खेलने में। उन्हें 9 बजे का है कि 9 बजे आपने अंदर जाना है, ठीक है, 10:15 का टाइम है। तो चलो करते इतना है, थोड़ी देर वेट, यहाँ 8:51 हो चुके हैं, 10-15 मिनट और रह गए हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं उसके बाद सीधा अंदर ही एयरप्लेन में बैठ के, ठीक है। विंडो सीट है, कोई बात नहीं, दिखाऊंगा आपको बाहर का नज़ारा भी दिखाऊंगा। आज फर्स्ट फ्लाइट में मतलब कि जब मैं यहाँ इटली या फ्रांस में आया था इंडिया से, उस टाइम मैं आपको नहीं दिखा पाया, लेकिन आज जरूर दिखाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अंदर जाके, ठीक है। तो भाई मैं कर चुका हूँ अपना एंटर और अब मैं खड़ा हूँ बस की वेट में, बस आएगी हमको लेने के लिए, फिर हम जाएंगे बस में 6E नंबर है, E6E यहाँ पे है, A से E तक की, ठीक है, लास्ट में जाना है मेरे को। तो मिलते हैं सीधा वहीं पे। हेलो गाइस, मैं बैठ चुका हूँ इस टाइम बस में, ठीक है, बाकी कुछ लोग अभी चढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं अब सीधा और आगे चल के, ठीक है, अपना एयरप्लेन में ही वहीं बैठ के मिलेंगे, नहीं इससे पहले ही मिल जाएंगे, डोंट वरी। अभी आपको सफ़र भी दिखाना है बस का भी, उसके बाद अंदर जब एंट्री करूँगा एयरप्लेन में वो भी दिखाऊंगा आपको, तो बने रहना मेरे साथ वीडियो में, मिलते हैं आपको। तो गाइस बस हो चुकी है स्टार्ट, चल चुकी है बस यहाँ से, ठीक है, तो मिलते हैं आपको और आगे चल कर ही। खड़े हैं जहाज एयर फ्रांस का, एयर फ्रांस ट्रांसाविया
Widger. बोल लगे हैं जहाज एरोप्लेन और इस साइड भी हैं हमारा मिखेल में उस साइड ही है अपना भी ठीक है वहीं जाके पता लगेगा अब क्योंकि बस्ती वहीं जा रही है अगर यहीं होता तो हमको यहीं उतार देती तो चलो मिलते हैं ठीक है वहीं पहुंच के। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने एरिया में मतलब जहाँ से आपने चढ़ना है जो आपने ट्रांसाविया के सारे जाल लगे हुए हैं ठीक है तो चलो मिलते हैं अब अंदर उनको उतरना है आगे जाके। तो भाई उतर चुका हूँ मैं नीचे ठीक है बस में से और अब मैं जा रहा हूँ अपना अंदर की तरफ E6 पे ठीक है E6 तो मिलता हूँ आपको अंदर चल कर ही। तो भाई सर मैं खड़ा हूँ यहाँ लाइन में ठीक है यहाँ पे अब यहाँ से हमने एंट्री करनी है ठीक है ये सारे लगे हुए लाइन में अपना है ई की लाइन में लगे हुए तो डी की लाइन में ठीक है हमें लगना है यहाँ पे। तो अभी होगी एंट्री तो एंट्री करने के बाद अब हमको मिलेंगे आपको ठीक है एंट्री करने के बाद मिलते हैं अब सीधा अंदर। तो गाइस अंदर से बोर्डिंग पास करके अब मैं जा रहा हूँ अपना एयरप्लेन की तरफ ठीक है ये लगी ये लाइन और हमारा एरोप्लेन ठीक है। तो अब आपको मिलते हैं सीधा वहीं पे ठीक है अंदर जाके लाइन लगी हुई है रोको बीच में पहले उनको चढ़ने दो क्योंकि धूप बहुत हो रखी है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। तो मिलते हैं अब आपको सीधा अंदर ही अपनी विंडो सीट पे होने वाली सीट पे ठीक है तो दिखाते हैं आपको अंदर बैठ के। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ अपना एयरप्लेन में बैठने ठीक है ये पहुँच चुका हूँ मैं ठीक है। तो मिलते हैं अब आपको सीधा अंदर ही ठीक है अपनी सीट पे। तो गाइस मैं बैठ चुका हूँ अपना सीट पे ये अपनी विंडो सीट ठीक है आज आपको नज़ारे दूंगा विंडो सीट से ठीक है ना ना एरोप्लेन के। तो मिलते हैं अब उड़ान के समय अब मिलते हैं उड़ान के समय ठीक है तो बने रहना वीडियो में। उड़ने के लिए ठीक है जा रहे हैं हल्के हल्के धीरे धीरे पीछे की तरफ ठीक है। तो चलो मिलते हैं और थोड़ा और आगे चल के। तो भाई सब हम जा रहे हैं उड़ान के लिए ठीक है देखते हैं बाकी स्पीड अभी स्लो है अभी और ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी क्योंकि अभी यहाँ से जो है थोड़ा सा कट है। इसमें दिख नहीं रहा होगा वैसे प्रॉपर यहाँ से भी ये हल्का सा कट आगे से। तो चलो इसको एक बार मुड़ने दो फिर दिखाते हैं आपको।
पार का नज़ारा, ऊपर से पेरिस का नज़ारा। इसकी पगड़ियाँ मतलब मिलती है हवा में थोड़ा बहुत, तो
अटैक है तो भाई उल्टा ये करेगा टिड्डा, ये करेगा टिड्डा ना भाई, ये करेगा टिड्डा। ये इन्होंने मतलब मोड़ा इन्होंने, ये मोड़ने ट्रैक्स में होता है, या और हल्का फुल्का ऊपर ले जाने का, हल्का फुल्का नीचे लाने का, ये भी एक तरीका होता है इनका। कोई आसान नहीं है, पायलट बनना, जहाज को उड़ाना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। आप खुद बन के देखो तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो मैं मजाक में बोल रहा हूँ कि ये पलटा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये सब मजाक है, ठीक है, सीरियस नहीं है। क्योंकि सीरियस हो जाओ तो मिलते हो आगे चल के। ये है नैया का पहाड़ी इलाका जिसमें ऊपर पहाड़ दिख रहे हैं बादलों के बीच में, ये पहाड़ है, हरे हरे दिख रहे हैं जो। तो पहाड़ी इलाका होगा यहाँ का, पहाड़ होंगे जो बादलों तक पहाड़ आ रखे हैं। अलग सा एरिया है पहाड़ी इलाकों के बीच में, यहाँ कोई घर भी नहीं दिख रहे, बहुत कम घर है यहाँ पे, पता नहीं यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, घर हैं, बहुत ही अलग साइज है। पहाड़ों के बीच बीच में है जिया, चार तरफ के पहाड़ हैं, बीच में से कहीं से रास्ते निकाल रखे हैं, जरूर नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए बीच, बी ए सी एच बीच जिसको बोलते हैं। यहाँ सारा एरिया बीच का ही है, बीच के नेड़े तेड़े ही है आसपास, मतलब बीच के बस। तो अपना भी लैंडिंग का टाइम हो चुका है, वैसे तो 12:55 का था, लेकिन नहीं 11:55 का था, अभी ये नहीं पता वो पुर्तगाल के हिसाब से 11:55 के अकॉर्डिंग होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि 11 यहाँ पुर्तगाल और फ्रांस में 1 घंटे का फर्क है।
तो गाइस अब देखते हैं यहाँ से उतरने के बाद सीधे रास्ते करी जाएंगे, अगर हो सका तो बीच में घुमाएंगे आपको। उसके नीचे एरोप्लेन खड़े हैं, एरोप्लेन खड़े हैं बट मैं दिख नहीं रहा, वो नीचे हैं। ये या तो प्राइवेट जेट लगा लो या जैसे मिलिट्री एरिया वो चीज़ होगा। ठीक है ओ, चलो मिलते और आगे चल के बाकी बीच तो आप देख ही रहे होंगे। बाकी इससे आगे और भी बड़ा बीच है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अगर दिख पाया तो। साइड में ही है वो, आगे चल के दिखा पाऊँगा मैं आपको। कोई बने रहना, वीडियो दिखाऊँगा आपको। तो गाइस ये है प्रॉपर बीच का एरिया। ठीक है अब हम इसी के ऊपर हैं, समुद्र टाइप है, बाकी दूर तक पानी ही पानी है यहाँ पे। उससे आगे तक अब पता नहीं हम पानी के ऊपर कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, मुझे नहीं पता। अब या तो राइट हैंड साइड में कुछ होगा एरिया अलग से, भी वहीं जा रहे हैं। बाकी नीचे बीच में एक टापू भी है, इसमें दिख नहीं रहा होगा मे भी जरा। चलो अब मिलते हैं उतर के, बाकी दूर तक तो बीच ही बीच है, वो कुछ नहीं है बीच में। वाओ पानी ही पानी, ये तो तालाब ही है, इतनी तालाब कह रहा हूँ मैं यार, सरोवर क्या कह सकते हैं इसको, ये क्या है, तो पानी में उतारेगा क्या। ये तो पानी के ऊपर से घुमा रहा है भाई। अच्छा घुमा के वापस लेके जाएंगे भाई इसको डाउन करके। कोई बात नहीं, बने रहो आप वीडियो में। इसके आगे तो कुछ भी नहीं है, दूर तक पानी पानी है यार। पिछली वाली साइड तो देख सकते हो दूर तक पानी ही है और कुछ नहीं है। और इन्होंने इसके ऊपर से घुमाया है इसको। Okay.
तो मेरे भाई जो कभी एयरप्लेन में बैठे नहीं हैं, उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है ताकि वो पूरा पूरा देखें लैंडिंग होते हुए भी। अभी बिल्कुल डाउन होता जा रहा है। शिप घूम रही है। बीच में एक स्टेडियम, नीचे परछाई अपने एरोप्लेन की। बस स्टॉप ट्रेन बिल्डिंग्स आ चुके हैं। नीचे लैंडिंग पहुंच चुकी है अपनी लैंडिंग। कंग्रेचुलेशन। ठीक है, तो ठीक है गाइस, अब मिलते हैं उतरते टाइम। ठीक है, एयर पुर्तगाल कनाडा।
झंडा का। फिर पुर्तगाल के ये सारे, चलो तो मिलते हैं उतरने के बाद। तो गाइस हो चुके हैं अपना हम लैंड। अब उसे पीछे बैठा हूँ तो सबसे लास्ट में उतरूँगा, ठीक है। ये आई है बस, मे भी हमको लेनी आई होगी जो हमको, मतलब कि मेन जो यहाँ से हम जहाँ से हमने एग्जिट होना है वहाँ जाके उतारेगी, जहाँ से हमने लगेज वगैरह लेना है सब कुछ हमको वहीं मिलेगा। खड़े हैं लोग, लोग तो उठ चुके हैं पहले ही, पता नहीं क्यों, अभी जाना तो लास्ट में ही है, फिर भी पता नहीं क्यों उठ के खड़े हो गए हैं, हमने तो जाना लास्ट में है भाई, ठीक है। बाकी आज जो मैं वीडियो या स्नैपचैट में बना रहा हूँ मजबूरी है क्योंकि उसमें कैमरे में क्वालिटी सही नहीं आती सिंपल में, ठीक है, ड्यूल मोड में ठीक है ब्लर होता है, इसलिए इसका मैंने यूज़ किया है। तो वीडियो सही लग रही है मेरे को इसमें भी, तो वो मिलते हैं उतर के, ठीक है, बने रहना वीडियो में, मिलते हैं उतर के। तो गाइस ये आ चुका है उतारने के लिए हमको रेडी लेके भैया जी, बाबू जी आ चुके हैं अपना ये ताम झाम ले कर, सीढ़ियाँ ले कर, ठीक है। मकीर लगे हुए हैं यहाँ पे और भी, हरियाणा एयर जेट एरोप्लेन। चलो हम तो उतरे हैं भाई, अब उतर के मिलते हैं। तो भाई मैं उतर चुका हूँ अपना प्लेन में से, अब मैं बैठ चुका हूँ बस में, ठीक है, सामने है प्लेन, लोग आ रहे हैं, मैं तो आ चुका हूँ। अब आपको लेके चलूँगा सीधा घर की तरफ, ठीक है। तो मिलते हैं आपको एयरपोर्ट के मेन अंदर, वहाँ पे भाई जी आएंगे लेने, ठीक है, हैं भाई जी यहाँ पे भी अपने, तो वही लेने आएंगे। अब मेरा भाई ना तो मैं नेट चल रहा, वाईफाई आया नहीं, वहीं जाके कॉल करूँगा, पूछूंगा उनसे कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अब वहीं पे। तो भाई सब हम निकल चुके हैं अपना एयरपोर्ट की तरफ, मतलब अंदर की तरफ जहाँ पे हमको एग्जिट करना है, जहाँ से हमने अपना बाहर की तरफ जाना है। कुछ लोग अपना जा रहे हैं अपनी उड़ान अपने एरिया में, कहीं भी जिनको जहाँ जाना है। चलो हम मिलते हैं, वहीं पहुंच गए, ठीक है, बने रहना वीडियो में। ये लगे हैं और भी अपना एरोप्लेन, पुर्तगाल के एयर पुर्तगाल के जाना है, एक ही छोटा सा खड़ा ईजी जेट का। चलो तो मिलते हैं आप सीधा वहीं पे। तो भाई मैं आ चुका हूँ अंदर और अब मैं खड़ा हूँ वेट में अपने लगेज की, ठीक है, यहाँ चल रहे हैं। तो मेरा है ब्लैक कलर का और मे बी नहीं अभी तक तो दिखा नहीं, चलो आएगा तो दिखाऊंगा आपको, ठीक है। बाकी करता हूँ बाइक को कॉल, कहाँ है वो कहाँ नहीं, ठीक है, मिलते हैं उनसे भी कर लेते हैं बात। तो भाई तो अपनी टैची अपना लगेज आ चुका है, ये एक नंबर पे अपने ही आ रहा है टोर से, तो राजा महाराजा की तरह, जैसे हम राजा महाराजा वैसे ये भी राजा महाराजा की तरह अलग से आ रहा है अपनी एक टोर में, ठीक है। तो लेके चलते हैं अब और करता हूँ भाई को कॉल, फिर मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस मैं अपना सामान वगैरह लेके यहाँ कर रहा हूँ वेट, ठीक है, क्योंकि भाई जी आएंगे अभी आधे घंटे तक, क्योंकि आज क्या है संडे के कारण थोड़ा ट्रांसपोर्ट इशू है, संडे को थोड़ा ट्रांसपोर्ट कम हो जाता है, इस चक्कर में
तो भाई लेट हो चुके हैं क्योंकि संडे को ऑलमोस्ट सबकी छुट्टी होती है सारी जगह यहाँ फॉरन में, वैसे अपनी इंडिया में भी होती है, फॉरन में तो होती ही होती है, सैटरडे संडे वीक ऑफ होता है, एंजॉय करते हैं वीकेंड का, ठीक है। तो इस चक्कर में छुट्टी है आज, तो इस चक्कर में भी थोड़ा ट्रांसपोर्ट का इशू है, थोड़ी ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रेन जो भी है कम चलती हैं, तो चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं थोड़ा वेट, कितना देखते हैं, भाई और आएंगे कुछ खाने पीने का देख लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अब थोड़ा सा। तो गाइज आ चुके हैं अपने भाई जी हमको लेने के लिए, ये खड़े हैं, तो ठीक है अब हम जा रहे हैं इनके साथ मेट्रो में, देखते हैं टिकट वगैरह लेंगे या किसको कैसे करना है, या दो नंबर में जाएंगे यहाँ से भी। चलो तो मिलते हैं अब नीचे ही। तो गाइज हम बैठ चुके हैं मेट्रो में, ठीक है, और हम जा रहे हैं अपना घर की तरफ। बाकी रास्ते में भाई जी बता रहे हैं कि हमको शिप में भी जाना है, तो आपको शिप का भी नज़ारा दिखाएंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइम मैं भी फर्स्ट टाइम बैठूंगा शिप में, तो वो भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो गाइस हम उतर चुके हैं अपने मेट्रो स्टेशन पे, अब हम जा रहे हैं यहाँ से बाहर, दूसरी मेट्रो लेनी है, अब हमको यहाँ से लेनी है दूसरी मेट्रो, चेंज करनी है हमने यहाँ से, तो उसके बाद शिप में, उसके बाद शिप में जाना है। चलो कोई नहीं, बने रहना, वीडियो में दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो गाइज हम अपना पहुंच चुके हैं दूसरी मेट्रो में, चढ़ के उतर चुके हैं, ठीक है। भाई जी गए हुए हैं यहाँ से मेट्रो से बाहर, क्योंकि मेरी जो टिकट है सिर्फ एक टाइम यूज़ किया है वो, इसलिए मैं यहीं वेट कर रहा हूँ उनका, वो घर बाहर कुछ काम के लिए गए हैं, तो वो सीधा ये भी यहीं आएंगे। तो उसके बाद हम यहाँ से अगले स्टेशन पे जाके, पक्की जाना तो हमने इसी ट्रेन में ही था आगे, बट यहाँ किसी काम के लिए रुकना पड़ गया। उसके बाद अब हम जाएंगे सीधा वहीं यहाँ पे शिप की, शिप में भी जाएंगे, दिखाएंगे वो भी आपको, ठीक है। तो देखते हैं, बाकी सिम भी लेनी है आज, सिम तो मेरी चल नहीं रही यहाँ पे नौ वाली, कि सर में मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक हो रखी है, सिर में दर्द हो रहा है, ठीक है, वो थोड़ा सफ़र के कारण हो रखा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना चलता है, हो जाता है। तो मिलते हैं अब भाई जी को आने दो, फिर यहाँ से चलेंगे, फिर देखते हैं कहाँ जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, कहाँ नहीं। बाकी ये है यहाँ का मेट्रो स्टेशन इंटेंडेंट, ठीक है। तो बाकी चलो मिलते हैं आगे ही नेक्स्ट स्टेप पे। तो गाइस हम आ चुके हैं अपना पुर्तगाल की गलियों में, ठीक है, भटकने के लिए यहाँ पे, अब हम जा रहे हैं एक बाइक की शॉप पे ही अपने, वहीं की अभी धोनी है, मतलब वो दुकान पे लगे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन रुकियो ये आ चुके हैं जी, तो मिलते हैं भाई जी से। गाइस तो अब हम जा रहे हैं पैदल पैदल, यहाँ से थोड़ी देर का रास्ता है, उसके बाद हमने जाना शिप में, भाई जा रहे हैं आगे आगे और मैं यार आपके सामने। बाकी यहाँ की लोकेशन तो बहुत ऑसम लग रही है मेरे को भी, ठीक है, यहाँ की लोकेशन और यहाँ का व्यू बहुत ही शानदार है, आगे भी और पीछे भी, ठीक है। तो हम यहाँ से जाएंगे पैदल, उसके बाद हमने जाना आगे शिप में, तो आपको शिप में लेके चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं सीधा वहीं पे। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं जहाँ से हमने जाना है शिप में, सामने थोड़ी दूर पे ही है ये बीच, स्टार्ट हो चुका है। बाकी यहाँ की जो लोकेशन है बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रही है मेरे को, बहुत ही ज़्यादा मतलब दिखाने लायक है लोगों को भी, तो फिर किसी दिन दिखाऊंगा, फिलहाल मेरे को सीधा घर ही जाना है, ठीक है। जा रहे हैं सीधा घर पर ही, शिप में बैठ के जाएंगे अब यहाँ से, तो वो भी दिखाऊंगा आपको। बाकी है सामने वो बीच का एरिया, बाकी हम वहीं जाएंगे सीधा ऊपर से घूम के।
तो गाइज यहाँ पे ये टेम्पू वगैरह भी चलते हैं, ठीक है, किराया जैसे हमको कहीं जाना पड़ता है। बाकी है सामने साइड में छोटा मोटा होटल टाइप लगा रहे, रेस्टोरेंट टाइप, लोग बैठे हुए अपना खाने पीने में। तो हम घूम के वहीं से आए हैं, तो हम जा रहे हैं आगे की तरफ। तो और वो है सामने बीच, तो आपको वहीं थोड़ा पास जाके मिलते हैं। अब बीच के जाएंगे तो मिलते हैं। तो भाई तभी मैंने शिप में जाने के लिए ये टिकट रिचार्ज कराई है, एक कार्ड लिया है, ठीक है, ये चलेगा अब अंदर। तो हम उसके स्टेशन पर ही हैं शिप के, तो लेके चलता हूँ आपको वहीं पे। तो भाई हम आ चुके हैं अंदर शिप स्टेशन के, ये जो सामने सीप आ रही है ये लगने वाली है, यहाँ पे अभी लग जाएगी, फिर हम इसमें बैठ के जाएंगे, ठीक है, आपको नज़ारे दूंगा इसके भी, ठीक है ना। तो बने रहना वीडियो में, दिखाऊंगा आपको सीप का नज़ारा भी दिखाऊंगा आज, बहुत टाइम बाद मैं खुद लाइफ में फर्स्ट टाइम बैठ रहा हूँ, ठीक है, तो मिलो दिखाऊंगा आपको भी। तो गाइज अब हम जा रहे हैं सीप की तरफ, उसके अंदर एक खड़ी है अपनी सिप, पीछे आ रहे हैं भाई जी अपने साथ लगेज लेके। तो अभी और अंदर चलेंगे, बने रहना। आ चुके हैं मंदिर, लगी हुई है चेयर, ऊपर चलते हैं ऊपर। तो गाइस हम बैठ चुके हैं अपना शिप के अंदर चेयर पे, बहुत बड़ी है भी, आगे भी बहुत जगह है। मक्का में दिखाऊंगा आपको बाहर का व्यू, मक्का चलते हुए दिखाऊंगा आपके जब चलेगी। तो गाइस अपनी सिप जो है वो चल चुकी है, तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने स्टॉप पे जहाँ पे हमको रुकना था, टर्न कर रही है शिप अपना जहाँ पे टर्मिनल पे रुकेगी। मक्की सन प्रोटेक्शन के लिए लगा रखा है टेप्स ये, ठीक है, इसलिए आपको बाहर का नज़ारा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ऊपर से दिखाता हूँ आपको। तो अब मिलते हैं उतर के ही, ठीक है। तो गाइस हम उतर चुके हैं अपना शिप में से, हम जा रहे हैं अपना घर की तरफ, तो अब मिलेंगे हम सीधा घर पर ही, ठीक है। हम भी बहुत थक चुके हैं और फ़ोन की जो बैटरी भी डाउन हो चुकी है, तो मिलते हैं हम सीधा घर पर ही मिलेंगे। पैदल पैदल का रास्ता है 5 से 10 मिनट का। तो हेलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपना रूम पे, अपने घर पे, ठीक है, ये अपना रूम, ठीक है, और ये है दूसरा रूम,
और ये अपनी किचन, ये अपना इधर टॉयलेट। तो अब भाई जी गए हुए नीचे, कुछ काम कुछ मान लेने गए हुए हैं, ठीक है। तो मैं भी अब थोड़ा रेस्ट करता हूँ, थक चुका हूँ मैं भी वहाँ से आके। तो हम मिलते हैं, ठीक है, पुर्तगाल की गलियों में, ठीक है। तो बने रहना मेरे साथ, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, ठीक है। तो बाकी जो मेरे भाई बंधु इस वीडियो पर नए हैं, पहली बार आए हैं, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि आपको आने वाली मेरी हर वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपको और भी जानकारियाँ मिलती रहे अब्रॉड के बारे में, ठीक है, इटली, फ्रांस, जहाँ जहाँ मैं रह के आया हूँ, ठीक है, और जहाँ मैं इस टाइम रह रहा हूँ पुर्तगाल, ठीक है, लिस्बन, पुर्तगाल के बारे में भी आपको जानकारी मिलती रहे। तो ठीक है, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ पुर्तगाल की गलियों में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।